हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब व्याग्रा खा लेते हैं फिर भी आप पर असर क्यों नहीं होता है। कुछ समय बाद असर होता है लेकिन बाद में ये असर क्यों नहीं होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जो लोग इस टैबलेट का यूज़ करते हैं उन पर खाने के बाद भी असर नहीं होता है इस टैबलेट का, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर है। और अगर आप भी खा रहे हैं ये टैबलेट और रेगुलर ले रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेना सेफ है या नहीं है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी लो हो जाता है तो आप ये इंजेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, मैंने इस पर डिस्कशन किया हुआ है। आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ इस मेडिसिन का। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, आपके लिंग में तनाव नहीं आता है या फिर आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये मेडिसिन आपको इस प्रॉब्लम के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट नीड एक्टिविटी। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप जब व्याग्रा लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक असर नहीं कर जाती है, ये आपके शरीर में डिसॉल्व होती है। और आप जब अपने पार्टनर के कांटेक्ट में आते हैं, फॉरप्ले के लिए जाते हैं, तब इसका असर स्टार्ट होता है, तब इसका आपको ज़बरदस्त असर मिलता है। आप सोचेंगे मैंने टैबलेट ले लिया है अब ऑटोमेटिक असर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपने पार्टनर के कॉन्टैक्ट में आना होता है या फिर आपको फॉरप्ले के लिए जाना होता है, तब इसका असर होता है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सेकंड चीज़ में बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करके इसके असर को और भी अच्छा कर सकते हैं आप। तो ये सिंपल सा रीज़न है जिसके कारण आपको कभी हो सकता है कि इसके कारण ही आपको इरेक्शन नहीं आ रहा होगा व्याग्रा लेने के बाद भी। तो इसमें है कि सबसे पहले आपको व्याग्रा खाने से पहले या खाने के बाद आपको बिल्कुल भी हेवी फूड नहीं खाना चाहिए, हेवी फैट वाले फूड नहीं खाना चाहिए। आप लाइट खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, और उसके 2 घंटे बाद ही आप व्याग्रा लीजिए, या फिर आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़बरदस्त असर करती है। तो आपको इसको 1 या 1.5 घंटे पहले लेना है, और कभी भी हेवी फूड नहीं खाना है, नहीं तो इसका असर नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आपको अल्कोहल लेने से बचना है। आप जब भी व्याग्रा लेते हैं, व्याग्रा लेने से पहले या लेने के बाद आपको अल्कोहल लेने से बिल्कुल बचना है, इसको अवॉइड करना है, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी ख़तरनाक हो सकते हैं और इस दवा का असर भी नहीं होगा। आप जैसे ही व्याग्रा लेते हैं इसका असर तुरंत नहीं होता है, आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटे वेट करना चाहिए। आप 1 या 1.5 घंटे पहले लीजिए तब ये असर करती है, आपको तुरंत कभी भी 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट में इसका असर नहीं मिलेगा। तो आपको कभी भी 1 या 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले लेना चाहिए। और चौथा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट रहे। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी है तो भी आपको ये दवा खाने के बाद भी आपको इरेक्शन नहीं आएगा, आपके लिंग में तनाव नहीं आएगा, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करने के लिए आप ब्लड टेस्ट के थ्रू इसका टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सबसे पहला वो टेस्ट यही करते हैं, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को वो जाँच सके, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देते हैं। तो आप ये सिंपल चीज़ों को भी ध्यान में रख करके कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको इरेक्शन नहीं आता है, आपके तनाव नहीं आता है, व्याग्रा लेने का असर नहीं होता है, तो आपको इसको समझना होगा। मैं इसको थोड़ा डीपली और स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये बॉडी में काम कैसे करती है।
आपको यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट दिख रहा होगा, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ कि सबसे पहला आपके पेल्विक मसल का नस कम्युनिकेट करता है लिंग के आर्टरीज के साथ और ब्लड फ्लो को काफ़ी इंक्रीज कर देता है। दूसरा, आर्टरीज उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करता है और अपने आप को काफ़ी चौड़ा कर लेता है, ओपन कर लेता है ताकि तेज़ी से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो। तीसरा, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो तो आपका लिंग उसको रिस्पॉन्ड करे और खुद को स्ट्रेच करे और इरेक्ट हो। चौथा, जो आपकी लिंग की जो नसें हैं उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो को इंक्रीज होते रहना चाहिए, तब जाकर के आपको इरेक्शन मिलता है। और व्याग्रा का असर इन्हीं चार स्टेप में होता है, जब आप ऑरली लेते हैं तो इन्हीं चार स्टेप के थ्रू आपको आपकी बॉडी गुजरती है और आपके लिंग में तनाव को लेकर के आती है। इनमें से आपको किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होता है तो ऑफकोर्स आपको व्याग्रा लेने के बाद भी आपको इरेक्शन नहीं आएगा, आपके लिंग में तनाव नहीं आएगा, तो आपको डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, आप कोई इस तरह का पिल्स लेते हैं और आपको असर नहीं आता है, तो आपको ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्या इन्हीं चार पॉइंट में से किसी में ऐसा हो, आपके आर्टरी से ब्लड फ्लो ना कर रहा हो, आपके लिंग तक ब्लड ही ना पहुंच रहा हो, तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं। तो इसको मैं अल्टरनेट मेथड में बताता हूँ कि क्या अगर ये मेथड काम नहीं करता है, तो अगर व्याग्रा काम नहीं कर रहा तो क्या आप दूसरा पिल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अल्टरनेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में आप व्याग्रा ले रहे हैं और ये काम नहीं करती है, तो आप उसकी जगह पे टेडिलाफिल ले सकते हैं, वर्डेनाफिल ले सकते हैं या एवेनाफिल ले सकते हैं। तो ये टैबलेट उसकी जगह पे ले सकते हैं, क्या पता इससे आपको असर आए और आपके लिंग में तनाव आए। अगर इससे भी असर नहीं आता है, तब आपको आप इसके जगह पे अल्टरनेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट रख सकते हैं। स्मोकिंग को बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, आपको अल्कोहल लेने से बचना है। इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आप लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से अपने लिंग में तनाव ला सकते हैं। सबका जो सबसे बड़ा कारण होता है, मैं यही मानता हूँ, स्ट्रेस और एंजाइटी सबसे बड़ा रीज़न होता है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आपके उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होते हैं, इनबैलेंस होते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपको सबसे पहले तो स्ट्रेस और एंजाइटी से बिल्कुल दूर रहना है, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए और अपने डाइट को बेहतर कीजिए, अच्छे फैट वाले डाइट लीजिए, हेल्दी एंड फिट रहिए, तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर इससे भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग एंड कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, अगर आपको मेंटल रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम के कारण आपको हो रहा है, तो उसकी आपको काउंसलिंग करेंगे और आपको इससे छुटकारा दिलाएंगे। अगर ये फिजिकल प्रॉब्लम से है, तो आपके हर तरह के टेस्ट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। में कई बार आपको अगर फिजिकल आपको प्रॉब्लम होती है, तो कई बार अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन दवा से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो कई बार डॉक्टर को थेरेपी का सहारा लेना पड़ जाता है इसको परमानेंटली ठीक करने के लिए, जिसमें कई तरह के थेरेपी आते हैं। आपको जो तीसरा इसमें वर्ड दिख रहा है, एल्प्रोस्टाडील, ये भी एक तरह का दवा है जो कि इंजेक्शन के थ्रू आपके डायरेक्टली लिंग में इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपको हार्ड इरेक्शन मिल सके। या फिर इसके और भी आते हैं, आपको पेनाइल इंजेक्शन हो गया, सर्जरी हो गया, फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन पंप हो गया, वैक्यूम पंप होता है, उसके थ्रू आपको थेरेपी दे सकते हैं ये। तो इन सब चीज़ों से आपको ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है और आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है वो परमानेंटली क्योर हो सकता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं टिप्स की। टिप्स में यही है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए इसको नेचुरल तरीके से ठीक करने का। आप एक्सरसाइज, रनिंग कीजिए, अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट रख सकते हैं।
इन सब चीज़ों से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता है। और टेस्टोस्टेरोन जब बूस्ट रहता है तो आपको कभी भी तनाव में, आपके लिंग के तनाव में कभी भी कमी नहीं होती है। दूसरा, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर वो आपको कोई डोज दे रहे हैं, अगर कोई दवाई दे रहे हैं, तो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। आपको वो व्याग्रा टेडिलाफिल भी दे सकते हैं। जनरली अभी के समय में ज़्यादातर डॉक्टर्स टेडिलाफिल को ही रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को। तो आपको टेडिलाफिल देंगे तो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, और जो डोज वो बताए उन्हीं डोज के अकॉर्डिंग लीजिए। उससे ज़्यादा लेने का कभी भी कोशिश मत करिए, वरना इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको इसके साथ भी कोई और भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को बताइए कि आपको और भी प्रॉब्लम है। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा हो, या आप डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको इस दवा को अवॉइड करना है, फिर अपने डॉक्टर को बताना है। आपके डॉक्टर आपको पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद आपको ये दवा रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।